सीएम आवास पर कथित बदसलूकी के मामले में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने आखिरकार लिखित शिकायत दे दी। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के आवास पहुंची थी और करीब 4 घंटे वहीं रही। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपने बयानों में सोमवार 13 मई का पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया, किन हालातों में उन्होंने पीसीआर कॉल की उसके बारे में भी पुलिस को बताया है। अब पुलिस ने स्वाति के बयानों के आधार पर कानूनी कार्यवाही शुरू की है। जानकारी के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा और एडिशनल डीसीपी नार्थ अंजिता के सामने बयान दर्ज कराए हैं। मालीवाल के बयान के बाद पुलिस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। बता दें कि 13 मई की बात है, पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल आई। इसमें कॉलर ने कहा, मैं अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने मुझे अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। फोन कॉल के बाद मालीवाल सोमवार सुबह ही सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी, लेकिन तब तक उन्हें कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी। तब वह बिना शिकायत दिए थाने से लौट गई थी। कथित बदसलूकी की बात सामने आने के बाद भी मालीवाल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। हालांकि आप सांसद संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की बात कबूली थे। बता दें कि संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक निंदनीय घटना हुई। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी। जब वह ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी, तभी विभव कुमार ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। सीएम ने मामले का संज्ञान लिया है और वह उचित कार्यवाही करेंगे।